जी अमर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अमर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अमर है। तेरी सोच पे पैरों में अंगे ठोक दे बाबा, तेरी सोच पे पैरों में अंगे ठोक दे। बंद करो, बंद करो। तो मैं मीडिया बंधुओं का वेलकम करता हूं यहां प्रांगण में। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका मेन उद्देश्य जो है वो 21 का भारत बंद के मतलब है। जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो डिसीजन नहीं, जो उन्होंने परामर्श दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि जैसे कोटे में कोटा, तो दूसरा उन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान किया है कि वो आप कर सकते हैं। बेशक 100 MP जो हैं वो प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इसको लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्तर जो पार्लियामेंट का जो है वो सेशन स्पेशल लगाकर तो इसका एक बिल लाया जाए और ये एक बिल पास किया जाए कि ऐसा नहीं होगा, तब ये रद्द हो सकता है। ऐसे आश्वासनों से हम सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा, उन्होंने दूसरा जो उसमें प्रावधान किया है कि क्रीमी लेयर, तो संविधान में ये जो मतलब रिजर्वेशन थी इसमें कभी ये गरीबी या अमीरी का सवाल नहीं किया था, ये सोशली बैकवर्डनेस का था, जो छुआछूत का मसला था उसके प्रति था कि जो लोग सोशली और जो वंचित हैं उनके उसके लिए प्रावधान था। तो ये तो सीधी सादी मतलब जो है संविधान से छेड़छाड़ है कि उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का ये बस की बात नहीं थी कि वो संविधान को अपने तरीके से वो उसका लागू करने के लिए कहें। तो हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं कि क्रीमी लेयर जो है वो अगर एक IAS भी बन जाता है या IPS भी बन जाता है तब भी उससे जो है वो सामाजिक भेदभाव होता है। आपने सुना होगा पिछले दिनों राजस्थान में एक IPS अफसर को बरात जाने के लिए घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस मंगानी पड़ी, लोगों ने उसका विरोध किया कि आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे। IPS अफसर का ये हाल है। तो जो मतलब सोशली जो है जो वंचित हैं उनके लिए रिजर्वेशन थी, अब जो क्रीमी लेयर कैसे हो गई, क्योंकि जो है गरीबी और अमीरी का एक और पैमाना है कि एक आदमी की लॉटरी निकल जाती है वो आज गरीब है कल अमीर हो सकता है, लेकिन ये कास्ट जो है वो कभी नहीं जाती है। अगर वो चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा तब भी मंदर्द हो जाते हैं, अगर राष्ट्रपति बन जाएगा तब भी जो है उसमें उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो ये उस आधार पर था संविधान में। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया हुआ मतलब जो अपन निर्णय दिया है या जो सुझाव दिए हैं वो हमें माने नहीं हैं। हम संविधान को मानने वाले जो है, हमारा समाज जो है वो संविधान को मानने वाला है और पुरअमर रहना चाहते हैं। हर बार जो है बार बार जो हमारे ही हकों से क्यों छेड़छाड़ की जाती। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया है उसमें कि जिस एक पीढ़ी को रिजर्वेशन का फ़ायदा हो जाए दूसरी ना ले। लेकिन एक बड़ी अचंभे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम है, दादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, बेटा जज है, पोता जज है, उधर कोलेजियम सिस्टम जो है वो नहीं देखता कि भाई मतलब हमने तो ले ली है यार, अब दूसरों को मौका दो। सिर्फ हिंदुस्तान में 200 कुंभा है जिनके सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस बने हैं, बाकी क्या हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी है, तो SC ST जो है वो मतलब कितने लोग हैं, कम से कम जो है वो अगर 22.5% हैं तो आप समझिए कोई 35-36 करोड़ एक आबादी है जिनको ये जिनके साथ ये किया जा रहा है। हम कठुआ वासियों से भी अपील करते हैं कि उस दिन 21 को अपने अपने जो हैं वो कारोबार बंद रखें और हमारा सहयोग करें ताकि हम भी उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं,
हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं। तो हम सभी से अपील करते हैं कि 21 का जो है बंद है उसको पुरमन जो है वो उसको सफल बनाए, तो ताकि सरकार जो है वो लेजिस्लेशन लाए और इसके लिए कानून बनाए। भारत, आज हम लोग श्री गुरु रविदास जो सभा है यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो इस उपलक्ष पे है कि 21 तारीख को 21 अगस्त को पूरा ऑल इंडिया बंद है, पूरा जो भारत है भारत बंद का एक आह्वान आया है, उसके तहत आप सबके थ्रू हम लोग पूरे कठुआ वासियों को अपील करना चाहेंगे कि जब भी हमारे कठुआ की एक विशेषता है कि कभी भी किसी भी त्यौहार में किसी की प्रॉब्लम में हम सब एक होके शुमारियत करते हैं और वहाँ पे एकजुट होके उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करते हैं। आज आपके माध्यम से फिर से एक बार हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा कठुआ जो है वो 21 को बंद करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सुझाव दिए हैं और जो राज्यों को पावर दी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राज्य तो उसको डिसाइड ही नहीं कर सकता था। और जो उन्होंने ये विचार विमर्श करके इसको रखा गया था, जब वहाँ पे 7 जजेस बैठे थे, 7 में से एक भी जज अगर उनके फैसले के साथ सहमत नहीं था तो इसको, इस जजमेंट को बाहर पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए था, इस पर दोबारा चिंतन करना चाहिए था। और उस पैनल में कितने शेड्यूल कास्ट जजेस थे जो कि वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए सोच सकते थे या उनके बारे में बात रख सकते थे, ये कुछ पैरामीटर हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने नहीं देखा। और मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को ये अपील करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के आएँ, हम लोग एक दूसरे के अगर हकों के लिए नहीं खड़े होंगे तो कल को हम लोगों पे शोषण होगा और हमारी आपसी जो एकता है वो, कठुआ की अखंडता है वो टूटने का खतरा रहता है। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही हमारे समाज को बांटने का, हमारे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जाता है, SC ST के नाम पे बांटा जाता है, अब कोटे में कोटे के नाम पे बांटा जाएगा। आप रिजर्वेशन की बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक हमें 8% तक रिजर्वेशन जो है वो मुहैया नहीं कराई गई है, आप जाके डॉक्यूमेंट्स पे चेक कर सकते हैं। 0.78% जो रिजर्वेशन है अभी तक इम्प्लीमेंटेशन लिखता है मिलता है। OBC का जो हमारा 27% का कोटा है, आप नोटिफिकेशन देखिए, 100 पोस्ट निकलेंगी तो उसमें से 7 निकालेंगे SC ST या OBCs के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए बाकी 10, और अगर वो भी फिलफिल नहीं हो पाती, अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन का टाइम मिलता है या वैसा कुछ अगर नहीं मिल पाती तो उसके बाद उसको जनरल कोटे से फिलअप कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इसलिए आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए और पूरे अपने हक हकूकों के लिए बात करने के लिए जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसके अलावा जो सदन है वहाँ पे ये मुद्दा जो हमारे MP MLAs हैं वो अपने सरकार के माध्यम से, अपने मेमोरेंडम के माध्यम से वहाँ पर रखें और इसका एक जो रूल है वो निकाला जाए, ताकि ये जो हमारे हक हकूक के साथ छेड़खानी है वो ना की जाए, ताकि हमारा आपसी जो प्रेम है, आपसी प्यार है, अखंडता है वो ना बिखरे। जय भारत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, क्योंकि ये सब कैटेगराइजेशन कर रही हैं। ये एक तो भाई से लड़ाने की कोशिश है सरकार की, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन कम लगता है, ये पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा लगता है। इससे यह है कि सरकार अपने भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही है। सब कैटेगराइजेशन माना, किसी ने अगर ज़्यादा फ़ायदा ले लिया रिजर्वेशन का, किसी को कम मिला, तो सरकार की ड्यूटी है कि जिसको नहीं मिला उसको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दी जाए। EWS आप 10% दे सकते हैं, अच्छी बात है, उनको भी मिलनी चाहिए, मगर अगर 10% जिनको नहीं मिली है, जिनको वो पीछे रह गए हैं, उनको भी एक्स्ट्रा दे दो ना, उनको 10% दे दो ताकि वो बराबर में आ जाएं। तो ये लड़ाने की बात है और कुछ नहीं है, बाकी इसमें सबको साथ देना चाहिए। हम कठुआ वासियों को ये अपील करते हैं कि आप, हम किसी से लड़ाई, पर्सनल लड़ाई किसी की नहीं है, अपने हक की लड़ाई की हम संघर्ष करेंगे और आप हमारा साथ दें, ताकि मतलब एक कठुआ का एक स्ट्रेंथ शो हो कि वाकई ये लोग, समाज यहाँ का इकट्ठा है और किसी का एक दूसरे के साथ पूरा साथ देते हैं। जय भीम, जय भारत। 14वां साल शुरू हुआ है, आरक्षण तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया है, कहाँ है ये, तो अब कानूनी तौर पर कागजों से निकालना चाहते हैं। 10 साल में इन्होंने कोई सरकारी नौकरी नहीं निकाली, सब कुछ बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, वहाँ SC ST को आरक्षण है ही नहीं, तो इन्होंने तो पहले ही आरक्षण ख़त्म किया, अब ये चाहते हैं कि ये रहे ही नहीं।
वो ये तो इनके जो बड़े बड़े एडवोकेट हैं उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण को छेड़ेंगे भी नहीं, अब छेड़ना भी शुरू कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम सब कुछ बेच देंगे, प्राइवेट कर देंगे, इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा किया उस सरकार ने। आगे भी हमें पूरा यही लगता है कि ये सरकार जो जजमेंट है जैसे सुप्रीम कोर्ट की, इसको ये लागू करेगी। और मैंने अभी खबर चली है कि कल हरियाणा में ये कार्रवाई शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं मंत्री, देखो कोर्ट लगा हुआ है हरियाणा में, वो कह रहे हैं हम ये इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। देखो कितनी साजिश है सोची समझी, इलेक्शन कमीशन से कराएगी ये सरकार ये इम्प्लीमेंट इसको, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। हम इसका विरोध करेंगे और हो सकता है कि ये समाज अगर इकट्ठा हो गया, एससी एसटी ओबीसी बहुत बड़ा समाज है, कि कहीं सिविल वार ना हो जाए इस देश में। हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये सिविल वार हो, मगर ये सरकार जो है ये कराना चाहती है। इसने बांग्लादेश में भी करा दिया, मणिपुर में करा दिया, अब मुझे लगता है इंडिया में ये एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी को लड़ाना चाहती है। इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि ऐसा काम मत कीजिए जिससे देश में जो है हालात ख़राब हों। बस मैं इस तौर पर, जितने हमारे एमपी वहां पर बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने चुप्पी क्यों मारी है, मिलना क्या है उनको, हाथ पकड़ के वो सरकार चला रहे हैं, सरकार में बैठे हैं, कल सरकार गिर जाती है अगर वो, जितने भी हमारे एमपी बैठे हैं एससी एसटी के 131 हैं, तो उनको बोलना चाहिए, उनको फौरी तौर पर इसका स्पेशल सेशन बुला के इसको काउंटर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। श्री नाभा सभा, अंबेडकर सेना, सारी सभी तरफा अज एक तुहाड़े माध्यम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जिहड़ा पिछले दिन है सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर कढ़िया हा, जिहड़ा हुण उन्होंने साढ़े सारे प्रवक्ता सुनाया आ, उहदे वास्ते 21 तरीक बंद की कॉल आई दी है। सारी जिहड़े पार्टी तरफा जिन्हें भी साढ़े दलित समाज के लोग न जां लीडर न, मैं सारे की तुहाड़े माध्यम कन्नै एक रिक्वेस्ट करना चाहना आ, 21 तरीक 11 बजे काली बड़ी सारे लोग इकट्ठा होइया इस सरकार दे और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करना शांतिपूर्वक। असी जिला एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस प्रशासन की गुजारिश करके कि साड़ा जिहड़ा प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक काली बीडी तो शुरू होगा, डीसी दफ्तर तक आग और डीसी साहब की एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम दिता जाएगा। उद्दे च सारे लोगों की सहयोग की जरूरत है और असी वो सहयोग लोगों को मंगना चाहते हैं कि 21 तरीक 11 बजे काली बीडी चौंक के टाइम सिर पूजने की कोशिश करन। जय भीम जय। श्री गुरु रविदास मंदिर में एक मीटिंग हुई जिसमें श्री गुरु रविदास कमेटी, श्री नाभादास कमेटी, श्री गुरु कबीरदास कमेटी और अंबेडकर सेना मूल निवासी, हम सब जो जे 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण के खिलाफ आया था, इस पर हम बहुत ही इसको नंदनीय मानते हैं, क्योंकि ये क्रीमी लेयर का जो सिस्टम वो चला रहे हैं, ये दलितों को ख़त्म करने की साजिश है। हमारे 131 सांसद जो वहाँ पर बैठे हैं सरकार में, वो सरकार में बैठकर वहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी से मिलकर आश्वासन लेकर वापस आते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप शर्म से डूब कर मर जाओ, अगर आप 131 हो तो आपको एक साइड लेकर सरकार अभी गिरा देनी चाहिए थी, कि जे जो क्रीमी लेयर का सिस्टम है, जे कोई आरक्षण कोई गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बहुत बार जे अफवाहें उठाई जाती हैं कि आरक्षण जो है सिर्फ 10 साल के लिए है, संविधान को पढ़ते हैं नहीं और सिर्फ शोर मचाते हैं कि संविधान 10 साल के लिए है। संविधान जो है, जो आरक्षण है, पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए है, उसको बिंड बताए हर साल 10 साल के बाद जो है एक्सटेंड कर देते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि उससे दलाल दल्ले पैदा होते हैं और इससे जो है आईपीएस आईएएस अफसर पैदा होते हैं, इसलिए इसको ख़त्म करने की साजिश है। मेरी कठुआ वासियों से अपील है कि हम 21 तारीख को कठुआ में प्रोटेस्ट करेंगे, सभी इकट्ठे होकर अपनी एकता का सबूत दें। जय भी के 21 तारीख को इसी महीने में, अगस्त महीने में, मेरी सभी बरादरी का कि ओबीसी एससी एसटी गुज्जर बकरवाल सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि वह सभी 21 तारीख को 11 बजे काली बड़ी चौक में पहुंच जाए, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है जो हमारे साथ हो रहा है। अगर आज हम चुप रहे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी कि जो हमारे पुराने पुरजे थे वो हमारे लिए क्या करके गए हैं। जैसे आज हम लोग सभी बाबा साहब को पूछते हैं कि बाबा साहब ने वो काम किया है जो आज इन लोगों को नहीं पच रहा है, उसी संविधान को मद्देनजर रखते हुए मेरी सभी के आगे अपील है कि वह सभी इकट्ठे होकर आए, हमारा साथ दें
एक पीसफुल जो हम जो भी प्रोग्राम करेंगे पीसफुल होगा, उसमें कोई किसी से हमारी दुश्मन नहीं है। हमें अपने हक के लिए लड़ना है, अगर आज नहीं लड़े तो फिर कभी नहीं लड़ेंगे।